और बच्चा बेटा बेटी कहाँ रहते हैं? कोई नहीं है, तीन लोग। हाँ अच्छा, आपको रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते आपको? रोइए मत अम्मा जी, रोइए मत। कोई नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा मत करिए, रोइए मत अम्मा जी। हाँ तो आपको घर से निकाल दिया है? मैं नहीं जानता कौन है ये, दूर से देखा पर एक माँ जरूर लगती हैं। मैं नहीं जानता कौन है ये, पर तकलीफ में जरूर लगती हैं। मैं नहीं जानता कौन है ये, पर हाँ इनके आंसू सच्चे हैं। सामने बैठे देखा इनको, हाल जानना चाहा, पूछना चाहा कि इनको क्या परेशानी है। तो आप रहते कहाँ हो? अच्छा बोल नहीं पाते आप, और बच्चा बेटी कोई है आपका? कोई नहीं है। और बदकिस्मती ये भी देखिए कि अम्मा जी बोल नहीं पाती हैं। इशारे से भी पूछने की कोशिश की, कोई तो होगा घर में, कहीं तो रहती होंगी। खाना, मैं भी खाना लेके आता हूँ, ठीक है? अभी खाना ला देते हैं आपको। ये अम्मा जी हमें मिली है, ये बैठी हुई हैं और बोल ये कुछ पा नहीं रही है, तो पूछा है कुछ भी बता नहीं पा रही है हमें ये, तो कोशिश करते खाने के लिए। इनसे पूछा है तो इशारा कर रही है खाने के लिए। हो सकता है वो आसपास कहीं रहती हो, मैंने पूछा भी एक दो लोगों से लेकिन पता नहीं चल पाया है कि वो आसपास रहती हैं या कहीं और से हैं। तो चलिए कोई नहीं, कम से कम खाना पहले हम उनको खिलाते हैं। अम्मा जी के लिए खाना रखवा लिया है, रोटी पैक हो गई है, चलो अब चलते हैं अम्मा जी के पास। दोस्तों अम्मा जी के लिए एक साड़ी ले ली है हमने और खाना पैक करा लिया है, अब चलते हैं अम्मा जी के पास। मैं उनको खाने के लिए यहाँ पर लेकर आने वाला था लेकिन वो चली नहीं पा रही हैं और बोल वो पा नहीं रही हैं बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ परेशानी है। तो मैंने खाने के लिए पूछा, उन्होंने गर्दन से इशारा किया है उन्होंने, तो चलते हैं अम्मा जी के पास खाना खिलाने के लिए। अम्मा जी हाँ खाना ले आए हैं आपके लिए, चलिए आप खाना खिलाते हैं आपको, ठीक है? और बच्चा बेटा बेटी कहाँ रहते हैं? कोई नहीं है, तीन लोग। हाँ अच्छा, आपको रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते आपको? रोइए मत अम्मा जी, रोइए मत। कोई नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा मत करिए, रोइए मत अम्मा जी। हाँ तो आपको घर से निकाल दिया है? अम्मा को हमने देखा है यहाँ पर, बोल नहीं पा रही अम्मा जी और कुछ ना कुछ तकलीफ में जरूर है। तो मैंने खाने के लिए पूछा है, बस गर्दन हिलाई उन्होंने, आप बोल पाते ही नहीं हो, दिक्कत है आपको। चलो आप खाना खा लीजिए, ठीक है? खाना खाइए, हाथ से खा लीजिए जैसे खाना आपका। रोकर कुछ नहीं होगा, भगवान जरूर सुनता है। और कुछ ना कुछ देखिए, नहीं चुप हो जाइए, बस बस कोई बात नहीं, खाना खाइए, खाना खाइए। चलिए ये लीजिए, ये लो। हाँ ये लो, ये भी रखिए आप, ठीक है? ये पहनिएगा, आप खुश हो। अच्छा thank you.
दोस्तों अभी अम्मा जी को देखा आपने, किस हाल में हमने देखा, रोड पर बैठी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं है और हालत भी उनकी बिल्कुल भी सही नहीं लगी। हमने वीडियो बनाया, उनको खाना खिला दिया, जो भी किया, पर सोचने वाली बात यह है कोई तो उनका बेटा होगा, कोई तो उनकी बेटी होगी, कोई तो परिवार का होगा। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये दिखाने का नहीं है कि हम उनको खाना खिला रहे हैं या हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा मकसद ये दिखाने का है ऐसे हजारों लाखों करोड़ों माँ बाप हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको उनके बच्चे इस हाल में छोड़ देते हैं। ठीक है आपको कोई परेशानी हो सकती है, कुछ भी आपकी वजह हो सकती है, पर क्या माँ बाप के लिए दो वक्त की रोटी देना भी आपके लोगों के लिए मुश्किल होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत किया जाता है। हमारा सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से यही प्रयास है ये वीडियो बनाने का। जिस समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप उनको इस हाल में छोड़ देते हैं। हमने अम्मा जी से पूछा, उन्होंने इशारा किया, उंगली दिखाकर इशारा किया, बोल वो पा नहीं रही है कि तीन वो बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, जो भी हो, पर कोई तो है उनका। लेकिन आज जो इनकी ये हालत है इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर इस वीडियो को देखकर कोई एक भी इंसान किसी दूसरे की मदद कर दे, किसी को और खाना खिला दे, किसी की तकलीफ में उसका हाल पूछ ले, तो हमारा ये प्रयास सफल होगा दोस्तों। और सपोर्ट ह्यूमैनिटी के इस प्रयास का हिस्सा बने। मत जाइए मस्जिद, मत जाइए मंदिर, मत जाइए गुरुद्वारा। यकीन मानिए आपका खुदा, आपका गुरु, आपका भगवान आपसे नाराज नहीं होगा। बस कोशिश करिए कि आपके माँ बाप को इज्जत के साथ उनको अपने घर में रोटी दीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनको दुखी मिले किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। आपका ईश्वर आपसे नाराज नहीं हो। मैं आपका साथी संदीप, सपोर्ट ह्यूमैनिटी से। जय हिंद, जय भारत।